शुरू करते हैं, बेसिक चीजें काफी हो गई हैं। एक बात याद रखो, हमने आपको पिछले रिलेशन एंड फंक्शन में भी समझाया था, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर फंक्शन तुम्हारा 1:1 होगा और ऑन टू होगा। तो एफ इनवर्स विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन फंक्शन इज 1:1 एंड ऑन टू। ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि फंक्शन अगर 1:1 और ऑन टू नहीं है तो उस फंक्शन का एफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एफ इनवर्स किसी भी फंक्शन का तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1:1 या ऑन टू होते हैं। अब चलो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखते हैं, फिर उनको समझते हैं क्या है। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे किसका, सबसे पहले हम लिखेंगे साइन का। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं। हर फंक्शन का मैं आपको रेंज लिखवाऊंगा, बात समझ में आ रही है, हर फंक्शन का मैं रेंज लिखवाऊंगा। अब रेंज बताने से पहले एक बात याद रखो, सबको पता है डोमेन होता है एक्स एक्सिस, रेंज होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये बात सबको पता है। तो साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1। ठीक है, अभी आपको ग्राफ से और मैं ये सब चीजें और प्रूफ करके दिखाऊंगा ग्राफिकली कैसे ये -1 से 1 होता है, बट अभी फिलहाल नोट डाउन कर लो क्योंकि ये चीजें आगे बहुत बार यूज होने वाली है, इसलिए सारे रेंज को एक जगह इकट्ठा करके लिख देते हैं। ये साइन एक्स का हो गया। अगला आपका कॉस एक्स, कॉस एक्स का रेंज आपका क्या होता है, वो भी -1 से 1। और याद रखो -1 से 1 होता है और दोनों ही -1 और 1 इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, अगला आता है तुम्हारा tan x, tan x क्या होता है, r माइनस x such that x इज इक्वल टू 2n+1π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जो tan x होता है उसका जो रेंज होता है वो पूरा r होता है, r मतलब पूरा रियल नंबर होता है एक्सेप्ट 2n+1π/2, मतलब पाई बाई टू, 3π/2, 5π/2, 7π/2 ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, ये सब रेंज में नहीं आता है और बाकी पूरा r आएगा, r मतलब पूरा रियल नंबर आएगा। रेंज क्या होता है, y एक्सिस होता है ना, पूरा रियल नंबर आएगा बस पाई बाई टू नहीं आएगा। वही लिखा है r माइनस माइनस x such that x, x is equal to 2n+1π/2। अब n की वैल्यू 0 रखोगे तो π/2, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3π/2, सिमिलरली 5π/2, 7π/2, 9π/2 ऐसे चलता चला जाएगा। तो tan x का जो रेंज होता है वो पूरा रियल नंबर होता है एक्सेप्ट 2n+1π/2। ठीक है, tan x के बाद अगला क्या आता है, cot x। cot x का क्या होता है, पूरा r होता है, r होता है x such that x is equal to n pi, n belongs to z। ठीक, वही मैंने लिखा है, वहां पे पाई बाई टू, 3π/2, 5π/2 था, यहाँ पे पाई 0 है, पाई है, 2π है, 3π है, इन सबको इंक्लूड नहीं करेगा, बाकी पूरा r होगा। ये cot x का हो गया। cot x के बाद आता है आपका sec x, sec x होता है r माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1π/2 n बिलोंग्स टू z। इसका भी यही सेम है, जो आपका जैसे tan का है वैसे ही इसका भी है sec x। sec x के बाद आता है आपका cosec x, ये होता है r माइनस x such that x is equal to n pi, n belongs to z। तो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपके रेंजेस लिखे हैं। ये जो भी लिखा हूं ना मैं, ये सारे रेंज है, डोमेन नहीं लिखा हूं मैं रेंज लिखा हूं। ठीक, तो साइन एक्स क्या हो गया, -1 से 1, कॉस एक्स हो गया -1 से 1, टैन एक्स हो गया सारा रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1π/2, कॉट एक्स हो गया सारा रियल नंबर एक्सेप्ट n pi, sec x हो गया सारा रियल नंबर एक्सेप्ट
2n plus 1 pi by 2, cosec x हो गया सारा real number except n pi. तो ये कुछ trigonometric function के range थे. Inverse trigonometric function हम अब पढ़ते हैं. तो देखो कुछ एक थ्योरी है उसको जरा समझ लो और उसको थोड़ा नोट कर लो. थ्योरी आपकी कह रही है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है x goes to y such that f of x is equal to y is 1, 1. अगर ये फंक्शन आपका 1, 1 है and on to b है और g आपका है y goes to x such that g of y is equal to x where x belongs to capital X, y is equal to f of x, y belongs to capital Y. Here domain of G is equal to range of F and YC versa. So function G is called inverse of F and denoted by F inverse. F inverse से denote करेंगे. तो G inverse क्या हो जाएगा? F inverse का inverse is equal to F. बहुत important बात है जो मैंने लिखा है, इसको समझो. यही basic है तुम्हारा inverse का. Inverse का जो basic होता है वो यही है. बोल रहा है F such that X goes to Y such that F of X तुम्हारा कोई function Y है. अगर ये 1, 1 और on 2 है, देखो पहले ही कंडीशन चेक हो जाएगी कि फंक्शन 1, 1 या on 2 है कि नहीं है. 1, 1 और on 2 है, उसके बाद ही तुम्हारा आगे बात बढ़ेगी कि उस पे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. such that g of y तुम्हारा x के बराबर है where small x belongs to capital X और small y जो है वो f of x के बराबर है. वहां पे f of x is equal to y था, यहां पे y is equal to f of x है. तो domain of g हो जाएगा range of f. तो एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे पास एक function f है, उसका कुछ डोमेन होगा, उसका कुछ रेंज होगा. अगर एक फंक्शन g है जो f का इनवर्स है, तो डोमेन रेंज से इंटरचेंज हो जाएगा, रेंज डोमेन से इंटरचेंज हो जाएगा. ये अभी हम प्रूफ करेंगे. जो sin x का डोमेन और रेंज है, वो sin इनवर्स x के डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे. तो वही कह रहा है, डोमेन ऑफ g विल बी रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f विल बी डोमेन ऑफ g, या रेंज ऑफ g विल बी डोमेन ऑफ f. इस तरह से आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इसलिए vice versa. तो g को हम कहेंगे f का इनवर्स, या उसको हम f इनवर्स से भी डिनोट करेंगे. तो g इनवर्स को तुम लिख सकती हो f इनवर्स, f इनवर्स का होल इनवर्स वापस से f ही हो गया. ठीक, तो ये बहुत अच्छा सा डेफिनेशन था जो तुम्हारा पूरा इनवर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता है. तो चलो पहला फंक्शन हम जो पढ़ेंगे इसको हम इधर लिखे रहने देते हैं, कंपेयर करेंगे. ठीक है, पहला फंक्शन पढ़ेंगे sin x एंड sin इनवर्स x, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है. ठीक है, पहला फंक्शन हमारा है sin x एंड sin इनवर्स x. अब मुझे जरा बताओ, यहां पे मैं लिख रहा हूं sin x, ठीक है, ये ऐसे बनाया, यहां पे लिख रहा हूं sin इनवर्स x. ठीक है, पूरा रिलेट करके चलेंगे दोनों को, बहुत प्यार से रिलेट करेंगे दोनों को कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. ठीक है, तो जरा पहले डोमेन बताओ sin x का. तो r होता है, रेंज बताओ sin x की. sin x की रेंज आपको पता है -1 से 1 होती है. इतने में कोई दिक्कत है कि नहीं, बताओ? ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो sin x होता है उसका डोमेन r होता है, रेंज -1 से 1 होती है.
अब मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि कैसे प्रूफ करूंगा, ग्राफ से। तो देखो ये आपका ग्राफ था, जीरो पाई बाय टू पाई, थ्री पाई बाय टू टू पाई, माइनस पाई बाय टू माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाय टू। ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है, ये ग्राफ आपका किसका है, साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे वेव की तरह होता है, ठीक है। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो वेव की तरह होता है, तो ऐसे चलता है और जो कट करता है तो एक्सिस को जीरो पे कट करता है। तो साइन एक्स तुम्हारा कहां कहां पे जीरो होता है, साइन एक्स तुम्हारा जीरो पे जीरो होगा, साइन एक्स तुम्हारा पाई पे जीरो होगा, साइन एक्स तुम्हारा टू पाई पे जीरो होगा, माइनस पाई पे जीरो होगा। तो जीरो पाई टू पाई सब पे साइन एक्स जीरो होता है, पाई बाई टू पे वन, थ्री पाई बाई टू पे माइनस वन, ठीक है। जैसे माइनस पाई बाई टू पे माइनस वन, माइनस थ्री पाई बाई टू पे वन। तो अभी आप मुझे बताओ, ये ग्राफ ऐसे लगातार चलता चला जा रहा है ना, तो इसका डोमेन क्या हो गया। डोमेन जो होता है वो जो एक्स एक्सिस होता है उसको अपन डोमेन कहते हैं। तो ये डोमेन है, डोमेन तो तुम्हारा पूरा रियल नंबर है, पूरा अलोंग द एक्स एक्सिस ग्राफ चलता चला जाएगा, तो डोमेन हो गया रियल नंबर। रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या होता है, जो वाई एक्सिस पे ग्राफ कितना कवर कर रहा है। वाई एक्सिस पे ग्राफ वन से लेके माइनस वन ही तो कवर कर रहा है, क्या वन के ऊपर जा रहा है या माइनस वन के ग्राफ नीचे जा रहा है, नहीं ना, ग्राफ पूरा तुम्हारा वन से माइनस वन के बीच में लाई कर रहा है, और दोनों ही इंक्लूडेड है, इसलिए इसका रेंज ये हो गया, ठीक है। ये आप साइन एक्स समझ गए, तो यहां से कुछ चीजें कंक्लूड कर सकते हैं कि साइन एन पाई की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, साइन टू एन प्लस वन पाई बाई टू की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन की पावर एन होती है, ठीक है। इस तरह से हम कुछ चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा साइन एन पाई हो गया, साइन एन टू एन प्लस वन पाई बाई टू हो गया। तो अब देखो, अब तुम आते हैं, ये तो हम साइन एक्स पढ़ लिए, अब हमको आना है साइन इनवर्स एक्स पे, ठीक है। साइन इनवर्स, साइन एक्स तो समझ में आ गया होगा सभी को, अब आता है हमारा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स पे होता कुछ नहीं है, इस पूरे ग्राफ को उठा के ऐसे खड़ा कर दो, बात समझ में आ रही है। ये जो पूरा ग्राफ अभी ऐसे हॉरिजॉन्टल है, इसको उठाओ पूरा वर्टिकली ऐसे खड़ा कर दो, तो तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाएगा। तो कहने का बात ये है कि साइन एक्स में एक्स एक्सिस को वहां पे वाई एक्सिस में चेंज हो जाता है, वाई एक्सिस तुम्हारा एक्स एक्सिस में चेंज हो जाता है, तो साइन इनवर्स एक्स बन जाता है। और मैंने आपको बताया ये बात एक और कि डोमेन जो होता है वो रेंज हो जाता है, रेंज जो होता है वो डोमेन हो जाता है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वो तो तुम्हारा आर हो जाएगा, यहां पे रियल नंबर या आर हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन यहां क्या था, माइनस वन और वन, ठीक है। तो इसका जो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो गया तुम्हारा माइनस वन से वन, ठीक है। और रेंज देखो, रेंज तो तुम्हारी हो गई रियल नंबर, ये तो हमने लिख लिया। डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन देखो मैंने क्या बोला था, यहां पे डोमेन आर था, रेंज माइनस वन से वन था, यहां का रेंज यहां का डोमेन में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन से वन, बट जो रेंज है वो तुम्हारी हो जाएगी माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, या माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, या पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, इस तरह से चलती चली जाएगी रेंज, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल रेंज कौन सी होगी, तो ये वाली आपकी होगी प्रिंसिपल रेंज। आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल रेंज कौन सी होगी,
वैल्यू ऑफ रेंज, क्योंकि सारी नहीं ले सकते ना हम, क्योंकि तीन लिखी हुई है, तो हमने एक को ही उठा लिया और हमने जो उठाया वो उठाया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज जो है वो माइनस हो क्या क्या सकती थी, माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, या माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, या पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, तीनों में से कोई भी हो सकती थी, बट हमने कौन सा ले लिया, हमने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हमने प्रिंसिपल रेंज ले ली। अब चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ये इसका ग्राफ बन जाएगा, तो आप देख रहे हो इसी को उठा के ये आपके पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू इस तरह से आपका चलता चला जाएगा। आप देख रहे हो इसी ग्राफ को हॉरिजॉन्टल उठा के वर्टिकली कर दिया, तो जो इसका वाई एक्सिस था वो इसका एक्स एक्सिस बन गया, जो इसका एक्स एक्सिस था वो इसका वाई एक्सिस बन गया। तो इस तरह से हम चेंज कर लिया, हमने इनवर्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लिया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इनवर्स फंक्शन को हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल सी बात है, अब इस बात को कंक्लूड करते हैं। तो हमने साइन और साइन इनवर्स एक्स को पढ़ लिया है, हमने पढ़ा साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो आर होता है, साइन एक्स का जो रेंज होता है वो माइनस वन से वन होता है, फिर हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया, ये इसका ग्राफ होता है, और ग्राफ में हमने प्रूव भी कर लिया कि डोमेन जो है वो थ्रू आउट आर है, रेंज की वैल्यू माइनस वन से वन है। जब बात आती है इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने की, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि जो इनवर्स एक्स है उसमें डोमेन रेंज में चेंज हो जाता है, रेंज डोमेन में चेंज हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में चेंज हो जाती है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में चेंज हो जाती है, ठीक। तो चलो ठीक है, तो यहां का रेंज माइनस वन से वन था, तो यहां का डोमेन माइनस वन से वन हो गया। रेंज की बात की जाए तो माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू हो सकता है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू हो सकता है, प्लस पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू हो सकता है। तो देखो ये मैंने क्या कहा था, इसका x एक्सिस उसका y एक्सिस, इसका y एक्सिस इसका x एक्सिस, आपकी ग्राफ ऐसे बन गया है, ये आपका sin इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखो, sin ऑफ sin इनवर्स x इसकी जो वैल्यू होती है वो x होती है, ठीक है। sin ऑफ sin इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो आपकी x के बराबर होती है। तो ये आपका साइन और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्लियर हो गया आपको, डोमेन और रेंज क्लियर हो गए। चलो अब पढ़ते हैं हम कॉस का, साइन क्लियर हो गया, अब हम कॉस एक्स का पढ़ेंगे। कॉस एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, तो चलो इसको भी इसी तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। बात आती है cos x का डोमेन क्या होता है, cos x का रेंज क्या होता है। cos x के डोमेन की बात की जाए तो cos x का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, cos x का जो रेंज होता है हमने पढ़ा है क्या होता है, माइनस वन से वन होता है, ठीक है। इतने में कोई डाउट नहीं है, cos x का जो डोमेन होता है वो माइनस वन से वन होता है, जो इसका रेंज होता है वो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, जो रेंज होता है वो माइनस वन से वन होता है। इधर चले आओ, इधर इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस वन से वन, इसका रेंज क्या हो जाएगा,
माइनस पाई से जीरो, या जीरो से पाई, या पाई से टू पाई। ठीक, ये आपका रेंज हो सकता है। रेंज क्या हो सकता है? माइनस पाई से जीरो, या जीरो से पाई, या पाई से टू पाई। अब आप वही बात आती है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है रेंज की? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज, तो हम इनमें से कोई एक चूज करना होगा, तो हम बीच वाला चूज करते हैं जो कि होता है जीरो से पाई। ठीक, बीच वाले को हमने चूज कर लिया जीरो से पाई। सबका डोमेन और रेंज अपने टिप्स पे होना चाहिए, एक बात ध्यान रखना। तुमको ये सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम खाली प्रिंसिपल वैल्यू याद रखो। तुमसे पूछेगा कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो सीधे बता देना जीरो से पाई होती है। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसे बनता है? ये होता है इसका ग्राफ। यहां पे वैल्यू पाई बाय टू, यहां पे वैल्यू पाई, यहां पे वैल्यू थ्री पाई बाय टू, यहां पे वैल्यू टू पाई, यहां पे माइनस पाई बाय टू, यहां पे माइनस पाई, यहां पे माइनस थ्री पाई बाय टू। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ किस चीज का है? कॉस एक्स का ग्राफ है। अब चलो चेक कर लेते हैं ये वैल्यू क्या थी। ये वन, ये माइनस वन। तो अब देखो डोमेन क्या हो गया, डोमेन थ्रू आउट द रियल नंबर हो गया। ऐसे 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 ग्राफ चलता चला जाएगा। ये आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या हो गया? माइनस वन से वन, ये आपका रेंज हो गया। तो आप कह सकते हो कॉस जीरो पे क्या देता है वैल्यू? कॉस जीरो पे देखो, अगर आपको डेटास नहीं भी याद है, वैल्यूज नहीं भी याद है, तो अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो आप इजीली बता सकते हो कॉस जीरो पे वैल्यू वन देगा, कॉस पाई बाय टू पे जीरो देगा, कॉस पाई पे माइनस वन देगा, कॉस थ्री पाई बाय टू पे फिर जीरो देगा, कॉस टू पाई पे वन दे देगा, कॉस माइनस पाई बाय टू पे जीरो देगा, कॉस माइनस पाई पे माइनस वन देगा, कॉस माइनस थ्री पाई बाय टू पे जीरो देगा। तो आपको इस तरह से ग्राफ हम किसका बन गया, ये कॉस एक्स का बन गया। वही बात फिर आती है, मैंने क्या कहा, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में चेंज कर दो, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस में चेंज कर दो, तो कॉस इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ आपका बन गया कॉस इनवर्स का। बाकी इसको नेम करना है, नेम कर दो। ये आपका हो गया पाई बाय टू, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया माइनस पाई बाय टू, ये हो गया टू पाई। ठीक, ये आपकी वैल्यू माइनस वन, ये आपकी वैल्यू वन। ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया। ये किसका ग्राफ है? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ग्राफ बहुत इजी है बनाना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आते हैं बनाने, तो आप इजीली उसके इनवर्स के ग्राफ बना सकते हो। करना कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में चेंज कर देना है, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस में चेंज कर देना है। सिंपल, डोमेन को रेंज कर दो, रेंज को डोमेन कर दो। तो इस तरह से आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो साइन पढ़ लिया, कॉस पढ़ लिया। अगला आता है हमारा कोसेक एक्स का। नेक्स्ट है कोसेक एक्स, जो कि क्या होता है? वन बाई साइन एक्स। ठीक है, तो ये कोसेक एक्स, ये कोसेक इनवर्स एक्स। अब मुझे बताओ कोसेक एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाई।
n belongs to z, ये इसका डोमेन होता है. रेंज की बात की जाए तो y such that y belongs to real number, y should be greater than equal to 1 और y should be less than equal to minus 1. ये आपका, या आप कह सकते हो r minus minus 1 से 1. ध्यान से समझो अभी मैं क्या लिखा हूं. मैंने लिखा है कि cosec x का मैंने डोमेन और रेंज लिखा हुआ है. डोमेन क्या हो जाएगा, x such that सारा रियल नंबर है एक्सेप्ट n पाई, मतलब पाई 2 पाई 0 3 पाई 0 पाई n पाई 2 पाई, इन सब पे cosec x डिफाइन नहीं होता है. ठीक, कहां-कहां डिफाइन होता है, सारे रियल नंबर में एक्सेप्ट n पाई. वहीं उसके रेंज की बात आती है तो रेंज उसका क्या होता है, 1 से ऊपर माइनस 1 से नीचे, माइनस 1 से 1 के बीच में नहीं डिफाइन होता तुम्हारा cosec x. ठीक, तो चलो इसको प्लॉट करके जरा देखते हैं. ये होता है इसका ग्राफ. अब जरा देखो मैंने जो डोमेन और रेंज लिखी है वो सही लिखी है कि नहीं. डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है बस n पाई पे नहीं होना चाहिए. देखो पूरा रियल नंबर है बस जीरो पे, देखो इनफिनिट जा रहा है, जीरो पे नहीं बन रहा है, पाई पे ग्राफ नहीं बन रहा है, फिर पाई से 2 पाई पे नहीं बन रहा है, बट बीच में पूरा ग्राफ है, फिर ऐसे ही चलता चला जाएगा. तो डोमेन पे क्लियर हो गया कि n पाई पे नहीं बनेगा, बाकी पूरा रियल नंबर पे बनता चला जाएगा x एक्सिस पे. रेंज की बात करो तो देखो 1 से ऊपर है, माइनस 1 से नीचे है, 1 से माइनस 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है. तो ये आपका cosec x का ग्राफ हो गया. इनवर्स में चलते हैं. cosec इनवर्स का जो रेंज था वही डोमेन हो जाएगा. डोमेन क्या हो जाएगा, वही r माइनस माइनस 1 से 1 not included. ठीक है, जो इसका cosec x का जो रेंज था वही cosec inverse x का डोमेन हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर माइनस माइनस 1 से 1, मतलब पूरा रियल नंबर उसमें माइनस 1 से 1 के बीच का जो रेंज है वो हटा दो. इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, उसमें से 0 हटा दो. माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इसका रेंज होगा, बट जो बीच में जीरो आएगा उसको रिमूव कर दो, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज. ठीक, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, उसमें से जीरो हटा दो. तो चलो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. बन गया इसका ग्राफ. ठीक, तो वही काम हुआ, जो x एक्सिस था वो y एक्सिस बन गया, जो y एक्सिस था वो x एक्सिस बन गया. अब चलो इसका डोमेन चेक कर लेते हैं. डोमेन देखो क्या कह रहा है, सारा रियल नंबर है बट -1 से 1 के बीच में नहीं है. तो डोमेन देखो, डोमेन x एक्सिस होता है, ठीक है,
डोमेन तुम्हारा एक्स एक्सिस होता है, सारा रियल नंबर है, बट माइनस वन से वन के बीच में देखो कोई ग्राफ नहीं है। माइनस वन से सारा पहले सारा ग्राफ है, वन से पहले सारा ग्राफ है, तो सही लिखा हुआ है। आर माइनस पूरा रेंज है, बस माइनस वन से वन के बीच में कोई ग्राफ नहीं है। दूसरा रेंज में चलते हैं, रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, कह रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ग्राफ होगा बट जीरो पे नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये माइनस पाई बाई टू से ये तुम्हारा पाई बाई टू है, ठीक है, ये माइनस पाई बाई टू है, उनके बीच में ही ग्राफ है बट देख रहे हो जीरो पे कोई ग्राफ नहीं है, तो ये तुम्हारा इसका रेंज हो गया। तो इस तरह से हम कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। साइन एक्स का हमने पढ़ लिया था, हमने कोसेक एक्स का भी पढ़ लिया, कोसेक एक्स का डोमेन रेंज पढ़ लिया, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज पढ़ लिया। देखो सबकी प्रिंसिपल वैल्यूज अपने दिमाग में रखना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबकी प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हमने साइन पढ़ लिया, कॉस पढ़ लिया, साइन इनवर्स पढ़ लिया, कॉस इनवर्स पढ़ लिया, कोसेक पढ़ लिया, कोसेक इनवर्स पढ़ लिया। अब अगला चलते हैं सेक, सेक एक्स जो कि होता है वन अपॉन कॉस एक्स, तो इसमें आएगा क्या, सेक एक्स और सेक इनवर्स एक्स। फिर वही बात आती है कि डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, तो अगर डोमेन की बात की जाए तो होता है r माइनस x as that x is equal to 2n plus 1 pi by 2। ठीक, रेंज क्या होता है, r माइनस माइनस 1 से 1। तो डोमेन क्या हो गया sec x का, सारा रियल नंबर, बस 2n plus 1 pi by 2 को हटा दो, मतलब pi by 2 को हटा दो, 3 pi by 2 को हटा दो, 5 pi by 2 को हटा दो, इधर से minus pi by 2 को हटा दो, minus 3 pi by 2 को हटा दो। तो डोमेन में सारा रियल नंबर होता है except 2n plus 1 pi by 2। रेंज की बात करते हैं तो रेंज में फिर वैसा ही है, सारा r है except minus 1 से 1। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करने से पहले एक काम करते हैं, सेकंड वर्स का भी डोमेन और रेंज डिफाइन कर देते हैं। sec inverse का जो इसका sec x का जो रेंज था वो sec inverse x का डोमेन हो जाएगा, तो हो जाएगा r माइनस माइनस 1 से 1, और जो रेंज है वो हो जाएगा माइनस पाई से 0 माइनस माइनस पाई बाय 2, या 0 से पाई माइनस कर दो पाई बाय 2, या पाई से 2 पाई तो माइनस कर दो 3 पाई बाय 2। बात समझ में आ रही है? अब इसमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा तो कौन सी है, ये वाली प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज। ठीक, तो फिर से एक बार देखो समझो, sec x का जो डोमेन था वो सारा रियल नंबर है एक्सेप्ट 2n plus 1 पाई बाय 2, इसका जो रेंज था वो भी सारा रियल नंबर है एक्सेप्ट माइनस 1 से 1 के बीच की वैल्यू। sec इनवर्स x में आओ तो जो sec x का रेंज था वही sec इनवर्स x का डोमेन हो गया, तो क्या हो गया, सारा रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1 से 1। रेंज जो होगा वो हो जाएगा आइदर माइनस पाई से 0 के बीच में है तो माइनस पाई बाय 2 को हटा दो, 0 से पाई के बीच में है तो पाई बाय 2 पे नहीं एग्जिस्ट करेगा, 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट करेगा बट बीच में जो पाई बाय 2 आता है वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, पाई से 2 पाई के बीच में एग्जिस्ट करेगा बट बीच में 3 पाई बाय 2 आता है वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात की जाए तो 0 से पाई माइनस पाई बाय 2। अब इसके ग्राफ को अगर हम समझते हैं, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2, ये वैल्यू 1 ये वैल्यू माइनस 1। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। चलो चेक कर लेते हैं हमने डोमेन सही लिखा है कि नहीं। डोमेन में क्या बोल रहा है, सारा रियल नंबर एक्सेप्ट 2l plus 1 पाई बाय 2। देखो यहां पर है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, बट देखो पाई बाय 2 पे नहीं है, पाई बाय 2 पे ग्राफ इनफाइनाइट चला जा रहा है। फिर देखो पाई बाय 2 से थोड़ा आगे बढ़ो तो पूरा ग्राफ मिल रहा है बट 3 पाई बाय 2 पे नहीं है, तो सही लिखा है, हमने प्रूफ कर लिया ग्राफ से।
रेंज की बात की जाए तो रेंज फिर से देख लो, वन के सारे ऊपर ग्राफ है, माइनस वन से सारे नीचे ग्राफ है, वन से और माइनस वन के बीच में कोई ग्राफ नहीं है। अब चलो सेकेंड वर्स एक्स का बना लो, पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू, माइनस थ्री पाई बाय टू, वन माइनस वन, ठीक ये आपका ग्राफ हो गया। डोमेन क्या है, सब कुछ है, बस माइनस वन से बीच वन के बीच में नहीं है। रेंज क्या है, जीरो से पाई, तो पाई बाई टू नहीं है, ठीक यहां पे कहीं पाई आएगा, देखो पाई बाई टू पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना ग्राफ, तो ये इसका रेंज हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, तो इस तरह से हमने sec x और sec inverse x का डोमेन और रेंज बना लिया। तो हर किसी का ग्राफ, हर किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज तो आपको आना ही चाहिए बनाने। अगला क्या बचा, tan x, tan x बचा, tan x का ग्राफ देखते हैं। tan x तो हम इस tan x में क्या देखेंगे, tan x और tan inverse x, इन दो चीज को देखेंगे हम, tan x भी देखेंगे और tan inverse x भी देखेंगे। tan x का जो डोमेन होता है वो होता है x such that x belongs to real number and x should not be equal to 2n plus 1 pi by 2। जो रेंज होता है वो पूरा रियल होता है, रियल नंबर। बात समझ में आ रही है, जो tan x का डोमेन होता है वो सारा वो पूरा रियल नंबर होता है एक्सेप्ट 2n plus 1 pi by 2। जो रेंज होता है वो पूरा रियल नंबर होता है। tan inverse x की बात की जाए, जो इसका डोमेन होगा वो भी पूरा रियल नंबर हो जाएगा, और जो इसका रेंज होगा वो हो जाएगा माइनस थ्री पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, और पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज क्या है तो ये है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज पूछे तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। चलो प्लॉट करते हैं अब इसके ग्राफ को, ये आपका ग्राफ है। ये ग्राफ किस चीज का है, tan x का है। चलो चेक करते हैं रेंज, तो देखो पूरा y एक्सिस होता है रेंज, पूरा आपको ग्राफ हर जगह दिख रहा है,
यहाँ इन्फाइनाइट चाहता रहा है, यहाँ इन्फाइनाइट चला जा रहा है, तो रेंज तो पूरा है, तो इसलिए मैंने आर को रियल नंबर लिखा। डोमेन एक्स एक्सिस होती है, हर जगह लाई कर रहा है बट 2n+1 पाई बाई 2 पे नहीं लाई कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, बट देखो पाई बाई 2 पे इन्फाइनाइट चला जा रहा है। फिर यहाँ देखो 3π/2 पे इन्फाइनाइट चला जा रहा है, -π/2 पे इन्फाइनाइट चला जा रहा है, -3π/2 पे इन्फाइनाइट चला जा रहा है, इसलिए डोमेन जो होगी वो पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2। टैन इनवर्स एक्स का देखते हैं, पाई बाई टू, 3π/2, बीच में पाई, ये जीरो, -π/2, -3π/2, बीच में -π। इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा? ठीक, ये आपका हो गया tan inverse x का ग्राफ। फिर से देख लो डोमेन, तो देखो पूरा r है रियल नंबर, पूरा इधर से लेके उधर तक जा रहा है, तो डोमेन तो आपका पूरा रियल नंबर हो गया। रेंज क्या, कहां से कहां के बीच में लाई रख रहा है, π/2 से 3π/2, -π/2 से π/2, -3π/2 से -π/2, सिर्फ उतने बीच में लाई कर रहा है, और दो और दोनों ही नॉट इंक्लूडेड है, ना ही π/2 पे वैल्यू है, ना ही 3π/2 पे वैल्यू है, इसलिए ये ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपका ये tan x और tan इनवर्स x का हो गया। लास्ट आता है तुम्हारा ये कॉटेक्स और कॉटेक्स, जो कि होता है 1/tan x। तो हमारा किसमें क्या पढ़ेंगे, हम कॉटेक्स पढ़ेंगे और कॉट इनवर्स x पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका डोमेन लिख लो, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x such that x belongs to r and x should not be equal to nπ। इसका रेंज हो जाएगा आर, समझ में आ रहा है, कॉट एक्स का क्या है, पूरा रेंज आर है एक्सेप्ट एन पाई, एन पाई पे नहीं होगा, बाकी पूरे आर पे होगा, रेंज तो पूरा आर है। कॉट इनवर्स एक्स का लिख लेते हैं, डोमेन तो पूरा आर हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, -π से जीरो, जीरो से पाई, पाई से 2π। अब आपसे पूछे इसमें से प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज क्या है, तो जीरो से पाई है। मैं आपको स्क्वायर ब्रैकेट से अंडरलाइन करके दिखा दे रहा हूं कि जीरो से पाई जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज्ड है, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज। तो अब इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें, पाई, 2π, -π, -2π, बीच में π/2, इधर -π/2। ये आपका 3π/2। समझ में आ रही है बात, ये आपका किसका ग्राफ है, यहां पे तुम बना लो -3π/2, तो इसका ऐसे बन जाएगा।
अब चलो कंपेयर कर लो, रेंज तो देख रहे हो पूरा वाई एक्सिस पे छाया हुआ है ग्राफ, तो रेंज तो पूरा वाई आर हो गया। इसमें देख लो नाइन तुम्हारा कहां कहां पे नहीं है, जीरो पे नहीं है, पाई पे नहीं है, टू पाई पे नहीं है, वहां वहां पे ग्राफ इनफाइनाइट जा रहा है, तो वहां पे ग्राफ नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो ये तुम्हारा इसका ग्राफ हो गया, समझ में आ रहा होगा। ये मेरा जीरो है, ये तुम्हारा माइनस पाई बाई टू है, ये माइनस पाई है, ये माइनस थ्री पाई बाई टू है, ये माइनस टू पाई है, ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाई टू है, ये टू पाई है। पाई टू पाई, माइनस पाई, माइनस टू पाई, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू। बस इसको बना लो, ये आपका इसका ग्राफ हो गया। फिर से देख लो डोमेन क्या है, पूरे एक्स एक्सिस में ग्राफ छाया हुआ है तो पूरा रियल नंबर। रेंज क्या है, देखो जीरो से पाई के बीच में, पाई से टू पाई के बीच में, जीरो से माइनस पाई के बीच में, माइनस पाई से माइनस टू पाई के बीच में, वही मैंने लिखा हुआ है। प्रिंसिपल बोले तो ये हो जाएगा जीरो से पाई, ये जो है ये आपका इतना आपका रेंज प्रिंसिपल है। तो देखो हमने कंप्लीट कर दिया है सारे ही फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज वेल एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ, उसका डोमेन, उसका रेंज। तो अब तक आपको सारे फंक्शंस के ग्राफ पता हो गए हैं, हर फंक्शन का डोमेन पता चल चुका है, हर फंक्शन का रेंज पता चल चुका है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चंस। थ्योरी बस इतनी थी इसमें, ठीक है, थ्योरी इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। बस आपको हर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कौन किसका इनवर्स है ये पता होना चाहिए, हर फंक्शन का डोमेन और रेंज पता होना चाहिए, और उनका ग्राफ आना चाहिए। एक बात ध्यान रखो, साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का इनवर्स दोनों एक चीज नहीं होती है। बात समझ में आ रही है, साइन इनवर्स एक्स बोलो और साइन एक्स का इनवर्स बोलो, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। ये जो साइन एक्स का इनवर्स है ना, इसको हम लिखते हैं वन बाई साइन एक्स, इसका मतलब ये नहीं होता है। तो मतलब 1 बाई साइन एक्स को आप साइन इनवर्स एक्स नहीं लिखोगे, उसको आप लिखोगे साइन एक्स पूरे का इनवर्स। बात समझ में आ रही है, तो इस पे जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन एक्स का होल इनवर्स को समझते हैं कि साइन इनवर्स एक्स से लिखा हुआ है, तो ये बात गलत है। साइन इनवर्स एक्स अलग चीज है, साइन एक्स का होल इनवर्स एक अलग चीज है। तो जो प्रिंसिपल रेंज में जो वैल्यूज मिलती है ना, उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। छोटी सी बात है, आप सभी पोल देता है कि बताओ इस किसी फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो जो वैल्यू जो है प्रिंसिपल रेंज के अंडर लाई कर रही है, हमने अभी आपको हर फंक्शन के प्रिंसिपल रेंज बताए, तो जो वैल्यूज प्रिंसिपल रेंज के अंडर लाई कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज है वो। ठीक, बात समझ में आई मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो भी वैल्यूज तुम्हारी अगर प्रिंसिपल रेंज के अंडर लाई कर रही है
उसके अंदर है, उस रेंज के अंदर लाई कर रही है, तो वो वैल्यू को हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, पहले स्टार्ट इजी क्वेश्चन से करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। करें इसको, एज्यूम कर लेते हैं लेट साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू को वाई कर सकते हो, हमारी मर्जी, हमने एज्यूम कर लिया साइन इनवर्स 1/√2 को वाई। अब ये जो इनवर्स है ये इधर जा सकता है, तो साइन वाई इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें? ये तो कर सकते हैं ना। अगर आपका साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है तो एक्स को हम साइन वाई लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, साइन वाई इज इक्वल टू 1/√2। अब जरा कंपेयर करो, साइन कब 1/√2 देता है, साइन तुम्हारा 0 पे देता है, 30 डिग्री पे देता है, 45 डिग्री पे देता है, 60 डिग्री पे देता है, 90 डिग्री पे देता है, इतनी जनरली अपने को वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक। साइन 0 पे 0 देता है, 30 पे 1/2 देता है, 45 पे 1/√2 देता है, 60 पे √3/2 देता है, 90 पे 1 देता है, ये बात ध्यान रखो, ठीक। कॉस की बात कर लूं, कॉस में करना कुछ नहीं रहता है, इसी सीरीज को उल्टा चला दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसको याद करने का तरीका बस यही है, तुम्हें खाली पहला साइन का याद रखना है, एक याद रखोगे बाकी सारा तुम अपने आप से बना लोगे। साइन का याद रखो 0 पे 0, 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 होती है, 45 डिग्री पे वैल्यू 1/√2 होती है, 60 डिग्री पे वैल्यू √3/2 होती है। ये √3/2 है, पूरा रूट में 3/2 नहीं लिखा है, सिर्फ 3 ही रूट में है, √3/2, 90 पे वैल्यू 1 होती है। अब इसी को जो लिखा है इसको उल्टा लिख लो, तो 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये कॉस की वैल्यूज हो गई। टैन पे आ जाओ, ये जो लिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ये तो पता ही होना चाहिए, इतने इनके बीच का पूछता है तो अलग बात है, बट अगर 30, 45, 60, 90, 0 पूछता है तो ये तो रट्टी होनी चाहिए वैल्यूज। टैन पूछता है तो टैन तो मैं पता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, तो 0/1, 0, 1/2 इंटू 2/√3, 1/√3, 1/√2 बाय 1/√2, 1, ये √3, ये इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 तो इनफाइनाइट होती है ना, तो ये इनफाइनाइट हो गया। टैन के बाद अगला कोसेक एक्स, कोसेक एक्स क्या होता है, साइन का उल्टा, अगर 0 है तो 1/0, साइन का रेसिप्रोकल, अगर 0 है तो 1/0 इनफाइनाइट, 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल 2, 1/√2 है उसका रेसिप्रोकल √2, √3/2 है तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, ये कोसेक आपका रेडी हो गया। तो आप देख रहे होगे आपको एक पता है तो आप बाकी सारी वैल्यूज डिफाइन कर सकते हो। कोसेक के बाद अगला आता है sec x, sec किसका उल्टा होता है, cos का, 1/1 है, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, ये 0/1 है, 1/0 इनफाइनाइट, और लास्ट में cot x, इसका उल्टा होता है tan का, 0/1 0 है तो 1/0 इनफाइनाइट, 1/√3 है तो ये √3, 1 है तो 1 ही रहेगा, √3 है तो 1/√3, 1/∞ तो 0। तो ये टेबल आप याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए, ये टेबल अगर आप याद रखोगे तो इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये टेबल बनाने के बाद मुझे बताओ साइन किस वैल्यू पे 1/√2 दे रहा है, साइन 1/√2 45 डिग्री पे दे रहा है, तो साइन वाई को तुम साइन 45 डिग्री लिख सकते हो, तो वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री,
ठीक है, ये तो तुमने डिग्रीज में लिखा, इसको तुम्हें उस फॉर्म में लिखना है, तो इसको तुम पाई बाई फोर लिख सकते हो, क्योंकि 180 बाई फोर कितना होता है, 45 डिग्री तो होता है, पाई तुम जानते हो 180 डिग्री होता है, तो पाई बाई फोर हो गया, y की वैल्यू जो आई वो 45 डिग्री बोलो चाहे पाई बाय 4 बोलो, अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई पाई बाय 4। अब साइन इनवर्स x का जो हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, इसकी जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होती है, ये पढ़ा था हमने, जो साइन इनवर्स x है उसका जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता है। अब मुझे बताओ जो ये वैल्यू आ रही है ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में पाई बाय 4 लाइक करेगा, इसलिए अगर इस प्रिंसिपल रेंज के अंडर अगर ये वैल्यू लाइक करती है इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, ठीक।